अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MTML यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर। फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शामिल करूँगा सैमसंग गैलेक्सी की एक और डिवाइस को जिसको मिल चुका है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। जी फ्रेंड, मैं बात करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के बारे में। जी फ्रेंड, सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ को जो है S20 सीरीज़ के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा के अंदर जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। आज इसी सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में बात करेंगे डिटेल से और देखेंगे इस अपडेट के अंदर हमें क्या चेंज लोग देखने को मिलता है, अपडेट साइज़ क्या है, बिल्ड नंबर्स क्या हैं और सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो मेरे साथ जरूर दीजिएगा, वीडियो को देखिएगा एंड तक। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी डिवाइस के ऊपर सबसे पहले मिल जाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने उन्होंने बताया कि आज सैमसंग गैलेक्सी की एक और डिवाइस को जो है फ्लैगशिप डिवाइसेस को जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के अंदर जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लोगों के साथ शेयर करता चलूँ उस अपडेट का इमेज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो मिल चुका है सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसके बॉटम में सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्जन के बारे में, कौन से बिल्ड नंबर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट बिल्ड नंबर है वो G980FXXCDUJ5। इसके बाद जो सेकंड वर्जन नंबर है वो G980FOXMCDUJ5। इसके बाद जो थर्ड वर्जन नंबर है G980FXXCDUJ5। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर DUJ5 जो है ये बिल्ड नंबर है जो मिला सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के अंदर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। अब यहाँ पर जो इसका अपडेट साइज है वो 187.77 MB का है। जी हाँ फ्रेंड्स, तकरीबन अराउंड अबाउट 200 MB के राउंड अबाउट ये अपडेट साइज़ है, ज़्यादा बड़ा अपडेट साइज़ नहीं है। इजीली आप लोग अपनी डिवाइस के अंदर इसको डाउनलोड और इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 1 नवंबर 2021 का है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है जो अब तक का रोल आउट किया गया है सैमसंग की तरफ से अपनी सैमसंग की डिवाइस के लिए। ग्रेजुअली तमाम डिवाइस को ये अपडेट जो है वो मिल रहा है और अब यहाँ पर जो है लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के अंदर भी ये अपडेट जो है वो मिल चुका है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। यहाँ पर तीन बिल्ड नंबर हमें देखने को मिलते हैं, अपडेट साइज 187 MB का है और सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो 1 नवंबर 2021 का है। अब बात करते चलें इसके चेंज लॉ के बारे में। यहाँ पर चेंज लॉ के बारे में व्हाट्स न्यू है, फाइंड आउट व्हाट्स इंक्लूड इन दिस अपडेट, द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इम्प्रूवड। यहाँ पर जो है डिवाइस की सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव की गई है। आफ्टर अपडेटिंग यू विल नॉट बी एबल टू डाउनग्रेड टू द ओल्ड सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ अपडेट्स टू द सिक्योरिटी पॉलिसी। और साथ ही साथ जो है इसके साथ आप लोगों को एक नोटिस भी देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर आप लोग जैसे ही अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोग डाउनग्रेडिंग जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि आप ओल्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक जो है आप लोग जब एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है वो नल एंड वॉइड हो जाता है और उसको आप दोबारा जो है वो रोल बैक नहीं कर सकते हैं। तो सोच समझ के कीजिएगा, मगर ये मेरा मशवरा यही है कि आप लोग इसको अपडेट को ज़रूर डाउनलोड इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो डिवाइस की सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव की गई है। इसके बाद जो है वो डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स बग्स फिक्सेस, जहाँ पर डिवाइस की स्टेबिलिटी उसको इम्प्रूव किया गया है, कुछ छोटे मोटे बग्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं। न्यू एंड और एनहांस फीचर्स, कुछ नए और इनहाउस फीचर जो हैं उसको ऐड किए गए हैं। फर्दर इंप्रूवमेंट्स टू परफॉर्मेंस, यहाँ पर जो है फर्दर डिवाइस की परफॉर्मेंस के अंदर आप लोगों को इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। तमाम फ्रेंड्स जिनके पास सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ की डिवाइस मौजूद हैं, जिसमें अंदर सैमसंग गैलेक्सी S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा, ये तीनों डिवाइस को जो है लेटेस्ट नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। तमाम फ्रेंड्स अपनी डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन में जाएं और डाउनलोड इंस्टॉल के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनको डेफिनेटली ये अपडेट जो है वो मिल चुका होगा। ग्रेजुअली तमाम डिवाइसेस को ये अपडेट जो है वो मिल रहा है, कंट्री वाइज बैच वाइज जो है ये अपडेट जो है वो रोल आउट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तमाम डिवाइस के अंदर ये अपडेट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज़ के अंदर जो है ये लेटेस्ट नंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। इस अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो जरूर बताइएगा कि इसके इफेक्ट जो है वो आपकी डिवाइसेस के ऊपर क्या पड़े हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो कर्नली मेरे साथ अपने जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की अपडेट।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा बस ख्याल, मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।